Bismillahirrahmanirrahim. Assalam-o-Alaikum. Cooking tips with Sobia. Welcome. आज हम बनाएंगे chicken kofta. Half kg हमने chicken का कीमा ले लिया. उसमें हम add करेंगे 1 tablespoon नमक, 1 tablespoon लाल मिर्च का powder और 1 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon काली मिर्च, 1 teaspoon सूखा धनिया, 1 teaspoon जीरा, 1.5 teaspoon मकई का आटा, एक अंडा और कसूरी मेथी. इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसके छोटे-छोटे से हम कोफ्ते बना लेंगे और आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे. इस तरह हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं. अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी और फिर हम इन्हें तलेंगे और सालन बनाएंगे. कोफ्तों का शोरबा बहुत मजेदार बनता है. अच्छा, कोफ्ते हमने अब फ्रिज में से निकाल लिए हैं और हम इन्हें अब डीप फ्राई करेंगे. सबसे पहले अब हमने कोफ्तों को ना गोल्डन ब्राउन कर लिया, तो प्लेट में अलग से निकाल लेना. फिर हम कोफ्ते शोरबा जो है ना ग्रेवी को बनाना शुरू करते हैं. हल्का सा गोल्डन ब्राउन. दो दरमियाने साइज के प्याज लेके मैंने उन्हें ग्राइंड कर लिया. प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गए हैं. अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट. 3 टमाटर लेके हमने उनका भी पेस्ट बना लिया है. इसमें हम पेस्ट ही ऐड करेंगे. क्योंकि कोफ्तों में हमने पहले से ही नमक मिर्च डाल दी है, अब इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च, कोफ्ता मसाला 2 टेबलस्पून और सूखा धनिया 1 टीस्पून. इसे अच्छी तरह से भून लेंगे. मसाला अच्छी तरह से ना हमारा भून गया. इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और जैसे ही उबाल आएगा फिर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे. अब पानी को एक उबाल आ गया, अब इसमें हम ना कोफ्ते ऐड कर देंगे. और शोरबा अपनी मर्जी से बंदे ने रखना होता है, कम या ज़्यादा. मैं तो ज़रा कम ही रखती हूँ शोरबा. तो अब इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे. 5 मिनट हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे और फिर मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ. ले जी, हमारा चिकन शोरबा कोफ्ता रेडी हो गया है. बहुत झटपट रेसिपी है और आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार है. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे दुआओं में याद रखना. ओके, अल्लाह हाफिज़. खुश रहो.